बिहार से बड़ी खबर आ रही है। LJP में टूट के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी चिराग पासवान को हटा दिया गया है, लेकिन इस वक्त LJP के पटना दफ्तर में उन सांसदों, चार सांसदों और चाचा यानी कि पांच सांसदों के चेहरे पर खाली खोती जा रही है जिन्होंने अलग इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया है, और ये कालिक पोतने वाले चिराग पासवान के समर्थक हैं। विधानसभा चुनाव में LJP को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद टूट से उबरने की कोशिश कर रही LJP को झटका लगा जब उसके पांच सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पद लिखकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मान लिया। इन पांचों सांसदों का नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई हाजीपुर के सांसद पशुपति नाथ पारस कर रहे हैं। अब चिराग पासवान को उस समय और झटका लगा जब चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया, लेकिन ये वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जिन पोस्टर्स पर कालिक पोती जा रही है, चिराग पासवान के समर्थक हैं चचेरे भाई प्रिंस कुमार, चंदन कुमार, वीणा देवी, महबूब अली कैसर की ये फोटो है जिस पर कालिक पोती जा रही है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं यही जहां पर इन पोस्टर्स पर कालिक पोती गई। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हैं। रोहित, ये कालिक तो पोत रहे हैं जिन लोगों ने विद्रोह किया है, लेकिन अब इस समय क्या चल रहा है वहां पर, क्या चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इस पर? ये देखिए, मैं इस वक्त लोक जनशक्ति जो दफ्तर है पार्टी का पटना में उसके बाहर मौजूद हूं, और यहां पर पिछले एक घंटे से जो है जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अचानक से चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो पहुँचे थोड़ी देर पहले, और उन लोगों ने पार्टी दफ्तर के अंदर वो घुस गए, उसके बाद नारेबाजी की, चिराग पासवान के समर्थन में उन लोगों ने नारेबाजी की, और उसके बाद भी बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके जो तमाम पांच सांसद हैं पशुपति पारस के नेतृत्व में जिन्होंने कह सकते हैं बगावत की है या जिनकी वजह से पार्टी में टूट हो गई, उनके फोटो को यहाँ पर जो है उस पर कालिक पोत दी गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, जब रामविलास पासवान जीवित थे तो शायद ही इस तरीके की तस्वीर कभी आपने देखी होगी, लेकिन उनके मृत्यु के 8 महीने के अंदर पार्टी का झगड़ा देखिए सड़कों पे आ गया है। और हमारे साथ अमर आज़ाद हैं, उनसे बात करते हैं। आप चिराग समर्थक हैं, क्यों ये सब आप लोगों ने कालिक पोती है यहाँ पर? मैं चिराग समर्थक भी हूँ और पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, और बोछा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है 2020 विधानसभा, इसलिए ये पासवान जी का पार्टी बनाया हुआ था। और अगर इन लोगों को कोई दिक्कत था MP सबको, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहीं थे, उनसे बात करके बोलता हूँ, उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जाती और तय होता कि आप नहीं रहिए चिराग जी, दूसरा आपका नेतृत्व हमको स्वीकार नहीं। तो इस तरह से जदयू के बहकावे में आकर करके, और जदयू ने, नीतीश कुमार ने जो काम किया ललन सिंह का साथ लेकर के, और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा और विभीषण भरने का काम किया है यह बिहार की जनता, क्योंकि लोग चिराग के साथ है। नो बडी विथ पशुपति पारस, ओनली ऑन और चिराग पासवान, विद चिराग पासवान। देख रहे हैं चिराग पासवान के समर्थक हैं ये कह रहे हैं पशुपति पारस ने जो किया है उसके साथ कोई नहीं है, और इसी कारण से LJP दफ्तर पर यहाँ पे देख सकते हैं चिराग समर्थकों का किस तरीके से गुस्सा फूटा है, और सभी के चेहरे जो हैं उनके फोटो पर जो है वो यहाँ कालिक पोत दी गई है। सईद, रोहित ये बताइए कि ये तो तस्वीरें आपने दिखा दी हैं, समय कम है रोहित, हम दोबारा आपके पास आएंगे, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी में जबरदस्त टकराव चल रहा है चिराग पासवान।